अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? अल्फाज ढूंढ रहे हैं? कौन कौन से अल्फाज ढूंढ रहे हैं भाई जी? जिनमें ते भी आ रहा है और तोई भी आ रहा है, आवाज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, लफ्ज़ डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, इस तरह के आपने अल्फाज ढूंढे, दोस्तों को बताया, हाँ मम्मा पापा को भी बताया कि आज हमने कितने मज़े की चीज़ सीखी है ना, है ना? अच्छा बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम क्या करें? आज हम बताएं, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। कल हमने ते के बारे में बताया, तोएं के बारे में बताया, और इससे बताएं बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, शक्लें अलग अलग हैं। हमें लगता है कि ये तो आवाज़ एक है, लेकिन जब पता चलता है कि नहीं, ये तो ज़े नहीं है, ज़ोएं हैं जी, ज़े ज़ोएं, और से और सी, इस तरह ये बहुत से हमारे पास ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें अलग अलग नहीं हैं, सेम है, और उनकी शक्लें अलग होती हैं। आज हम एक और की प्रैक्टिस करते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल सफ़ा नंबर 51 खोलेंगे, और यहाँ पे देखें, दो हरफ एक आवाज़ में हे और हे, जी और हे, और हे के बारे में बताया जा रहा है। कल बताया था ते और तोई के बारे में, आज हे और हे के बारे में। दोनों हर्फ की आवाज़ एक जैसी है, किसी लफ्ज़ में हे लिखा जाता है और किसी में हे, जैसे हार और हलवा। जिस तरह से कल हमने समझा था ते और तोए के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं हे और हे के बारे में। हे के साथ हमारा आता है हार, हार जी, जो कॉमा लगा होता है, हल्का सा छोटी सी डंडी बनाई होती है ना, हुक बना हुआ होता है, ये होता है हे, इसको भी हे कहते हैं, लेकिन ये क्या है? हार। और कौन से लफ्ज़ आते हैं इससे? हमारा, हमारा, हीरा, हीरा, हाथी, हाथी, हिमालया, हिमालया। और बताइए हे से कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं? हिरन, जी बिल्कुल सही, हिरन भी हे से आता है, हुक वाली हे से आता है, बिल्कुल। और कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं? हफ्ता, हफ्ता दिनों के नाम हमारे, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जमेरा जुम्मा, तो उसमें हफ्ता भी जो है वो हुक वाली हे से आता है जी, कॉमे वाली हे से आता है। और एक और बता दें, और बताएंगे जल्दी से, हटाना, हटाना जी, किसी चीज़ को हटाना, वो भी आपकी जो कॉमे वाली हे से आता है, इसमें हुक बना हुआ होता है, उस हे से आता है। तो आपने कोई भी एक लफ्ज़ जो है, जो मैं बता रही हूँ हमने डिस्कस किया, वो लिख दें, या अपनी मर्ज़ी से अगर आपको पता है कि हे से जो है कौन सा लफ्ज़ आता है तो वहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हे से है हलवा, हासिल, हैरान, हज, हुक्का। और कौन से लफ्ज़ हो सकते हैं? कौन से लफ्ज़ हो सकते हैं सोचें? और होगा हूर, जन्नत की हूर, हूर भी हो सकता है जी, वो यही वाले हे से आता है, जो जीम हे वाली हे होता है उसी हे से आता है। और हिस्सा, हिस्सा, कुछ चॉकलेट में हिस्सा चाहिए होता है ना भाइयों से बहनों से, वही वाला हिस्सा। और हुक्मरान, हुक्मरान जो हमारे पर हुकूमत करते हैं, बिल्कुल हुक्मरान। तो ये सब जो हैं वो हे से आते हैं। अब कोई भी एक लफ्ज़ जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ लिख देंगे तो आपने देखा कि हे और हे दोनों की आवाज़ें एक जैसी हैं, लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं। आज आप अब अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को इसके बारे में बताइएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और मशक मौजूद है, 52 सफ़े पे हमारे पास मौजूद है, ग्रामर की मशक है। उसमें लिखा हुआ है, हर जानवर और परिंदे की कोई ना कोई आवाज़ होती है, मसलन चूज़ा बोला चू चू चू। हमें पता है कि चूज़े की आवाज़ क्या होती है, क्या आपको दूसरे जानवरों की आवाज़ों के बारे में पता है, या सिर्फ चूज़े की आवाज़ के बारे में पता है? जी मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत से जानवरों की आवाज़ों के बारे में पता है। अरे भाई, आपने तो आवाज़ें बोलना भी शुरू कर दी हैं, कौन कौन सी आवाज़ें बोले जा रहे हैं भाई? बिल्ली की आवाज़, वाह, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं, बिल्कुल सही। और किसकी आवाज़ आपको आती है? हाँ, बकरी की भी आती है, कैसी आवाज़ होती है?
मैं जी जो बकरीद पे आते हैं, बहुत सारे जानवर आपके पास आ रहे होते हैं और आप उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, कव्वे की आवाज़ भी निकाल रहे हैं भाई? कौन, आप निकाल रहे हैं कव्वे की आवाज़? कैसी है भाई? काएं काएं काएं, वाह भाई जबरदस्त। और मेंढक की टर टर टर, बिल्कुल ठीक। और किसकी आवाज़ें निकल रही हैं? हाँ, चिड़िया की आवाज़ तो कैसी है? चू चू चू, वही जैसे चूजे की आवाज होती है, चू 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 चू। वेरी गुड भाई, यानी कि आपको तो बहुत सारी आवाजें आती हैं, तकरीबन सारे जानवर की आवाजें आती हैं भाई, क्या बात है। चलें, जिसका मतलब ये है कि हमारी मश्क तो आज, हमारा जो काम है वो बहुत मजे का है, हम तो चुटकी में कर लेंगे आज का काम, क्योंकि हमें सारी आवाज़ें आती हैं और हमें आवाज़ों के बारे में भी ये काम करना है। देखते हैं कि काम क्या करना है। काम ये करना है कि हमारे पास कुछ जानवर दिए हुए हैं और उन जानवर की आवाज़ें लिखनी हैं। ओफो, ये तो बहुत ही आसान काम है आज का तो, और बहुत ही मज़े का काम है ना। मसला पता है क्या आएगा इसमें? आवाज़ें तो आपको निकालनी आती हैं, क्या उन आवाज़ों को लिखना भी आता है? हाँ, अब फंसे ना जी, कि भाई आपको आवाज़ें तो निकालनी आ रही हैं लेकिन लिखना नहीं आ रहा। तो आज हम क्या करेंगे कि आवाज़ें निकालेंगे भी और उनको लिखना भी सीखेंगे कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलें। अब बताइए, मुर्गी कैसे बोलती है? कुकड़ 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 कूँ, कुकड़ 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 कूँ। लिख के बताइए भाई, नहीं आ रहा ना लिखना? क्योंकि आज हम लिखना भी सीखेंगे। चलें जी, ये कैसे लिखा जाता है यहाँ पे? ऐसे, कुकड़ 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 कूँ। तोता बोला, जी टें टें टें। लिखते कैसे हैं भाई? हाँ, यहाँ देखें, टें टें टें, शाबाश। कबूतर बोला, गुटड़ू गुटड़ू गुटड़ू। लिखना नहीं आता ना, मुझे पता है। चलें लिखने की प्रैक्टिस करें, शाबाश। यहाँ लिखते हैं, गुटड़ू गुटड़ू गुटड़ू। लिखना आ गया ना, प्रैक्टिस करिएगा इसको। यहाँ पे एक दफ़ा लिखें, लेकिन रफ कॉपी में, दूसरी कॉपी में 3 से 4, 4 से 5 दफ़ा लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। एक दफ़ा में लिखना नहीं आएगा ये। बिल्ली बोली, वेरी गुड, शाबाश। आवाज़ें तो बहुत अच्छी निकाल रहे हैं, लिखना भी आ रहा है नहीं ना? लिखें देख के, शाबाश। ये म्याऊं म्याऊं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और बकरी कैसे बोल रही है? मैं जी, आवाज़ निकाल ली, लिखना भी सीख लें। अब आपने यहाँ पे सब जानवरों की आवाज़ें लिख ली हैं, लेकिन इन सब आवाज़ों को अलग से कॉपी में खुद से लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। और फिर क्या करना है, इस काम की प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखना है और अपने टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर देनी है। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।